बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग अब स्टार्ट करें केमिस्ट्री 2015 के एमसीक्यूज। तो केमिस्ट्री 2015 के एमसीक्यूज के अंदर क्या बोले हैं कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ड्यूट्रियम के अंदर कितना होता है। तो बेटा हमारे पास ड्यूट्रियम जो होता है उसका सिंबल होता है H12। तो हमारे पास इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक प्रोटॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करो, टू में से वन को माइनस कर दो, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा वन न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 111। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम ब्रोंज, एल्यूमिनियम ब्रोंज के बारे में बोले कि एल्यूमिनियम ब्रोंज जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो एल्यूमिनियम ब्रोंज में 10% एल्यूमिनियम होता है और 90% कॉपर होता है। अच्छा, उसके बाद आगे बोले कि बेटा एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का जो कि बिलोंग करता है ग्रुप 5A से और थर्ड पीरियड से, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखिए, ग्रुप 5A का मतलब ये कि उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी एस ऑर्बिटल में 2 और पी में 3 डाल दिए। थर्ड पीरियड का मतलब ये कि थर्ड शेल आखिरी है, तो 3s2 3p3 कर लिया हमने। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ले, 1s2 2s2 और 2p6। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो 2 2 4 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 3 15। तो 15 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर 15 इसका सही आंसर है। अब आते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस लिक्विफाई होती है इनमें से किस टेम्परेचर पे। तो नाइट्रोजन गैस लिक्विफाई होती है -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, या -196 के अलावा अगर अगर -196 गिवन ना होता बेटा तो आप फिर -200 को टिक करते हैं, यानी कि करीब तरीन ऑप्शन को टिक करते हैं। हाइपो को किस लिए यूज किया जाता है। हाइपो को बेटा यूज किया जाता है एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी। ये कब के जमाने की बात हो रही है, हमारे बाप दादा के जमाने की बात हो रही है, जब नेगेटिव वाली फोटोग्राफी होती थी के नेगेटिव ऑफ फ्लेम होती थी, उस टाइम पे हम हाइपो को यूज करते थे एज अ फिक्सर। ये जमाना कब का गुजर गया और सिंध बोर्ड जो है बेटा यहाँ पे अभी तक अटका पड़ा है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, बस छोड़ देते हैं इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये ग्रुप कौन सा, इसमें इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है। तो बेटा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है वो यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, COOR ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप। देखिए, मैं आपको मेटा डायरेक्टिंग बता देता हूँ, ये याद कर लें, ऑर्थो डायरेक्टर खुद ब खुद याद रह जाएंगे। हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं कार्बोनाइल यानी कि CO और कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं COO, और इसके अलावा आते हैं नाइट्रो ग्रुप NO2 और साथ में सल्फोनिक ग्रुप SO3H ग्रुप। ये हमारे पास मेटा डायरेक्टर्स हैं, बाकी सारे जो हैं वो आप ऑर्थो डायरेक्टर्स के अंदर शुमार कर लिएगा। अब फॉर्मूला ऑफ वैलेरिक एसिड देखें। वैलेरिक एसिड जो होता है ये होता है पेंटानुइक एसिड, यानी कि 5 कार्बन होते हैं इसके अंदर। आप देखें 5 कार्बन किसके अंदर, इसके अंदर देखेंगे तो एक और फिर दो और 2 से मल्टीप्लाई के 3 और एक 4, 4 है इसके अंदर, तो ये गलत हो गया। इसके अंदर एक और 4, एक और 4 5, 5 और 1 6, तो 6 भी गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 5 6 6 और 1 7, 7 है यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। और अब यहाँ पे देखेंगे 1 1 और 3 लिखा हुआ है, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो आप समझ गए होंगे मैं किस तरीके से बात करूँ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पेंटानोइक एसिड। देखें इसके अंदर CH2 3 मरतबा है, तो मतलब 3 कार्बन, और CH3 एक बार है, तो इसके अंदर 1 कार्बन 4 कार्बन, और COOH ग्रुप का 1 कार्बन, तो 5 कार्बन। अब आगे बढ़ते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बेटा ये इतनी बार रिपीट हो गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ये एक दूसरे के होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मैं इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बोले हैं 9th पे के फंक्शनल ग्रुप RSH के अंदर क्या होता है। देखिए, RSH से मुराद है सल्फर, जहां पे आ जाए ना तो आप समझ लें थायो की बात हो रही है। सल्फर जहां पे आ जाए तो थायो की बात हो रही है, यहाँ पे हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप थायो एल्कोहल। और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिल्क शुगर जो होता है बेटा, मिल्क शुगर जो होता है वो लेक्टोज भी कहलाता है। मिल्क शुगर जो होता है वो कहलाता है लेक्टोज। और इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं। ट्रांजिशन मेटल मतलब ग्रुप बी के एलिमेंट्स, जो ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये सारे मेटल्स होते हैं, तो इन हाइड्राइड्स को कहा जाता है मेटैलिक हाइड्राइड्स। स्पेलिंग गलत हो गई है मेरी, तो खैर है, जाने देते हैं इसको। मेटैलिक हाइड्राइड्स हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं वाइटामिन सी की। किप्स एपरेटस बेटा यूज किया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रिपरेशन के लिए, आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 4 के अंदर मौजूद है। ब्लड कैंसर जो होता है बेटा वो बेंजीन से होता है, ब्लड कैंसर होता है बेंजीन से, और ब्लड कैंसर का एक नाम भी होता है, वो नाम क्या है। तो ब्लड कैंसर का नाम होता है लुकीमिया। बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से ब्लड कैंसर का एक नाम है लुकीमिया, वो बेंजीन की वजह से होता है। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं।
डोलोमाइट का फॉर्मूला बेटा, डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3.CaCO3। EDTA कौन सा टाइप का लिगेंड है? तो EDT होता है बेटा हेक्साडेंटेट लिगेंड, EDTA होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। और हमारे पास यहाँ पे आप 2015 के MCQs डन हो गए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट ईयर पे चले जाते हैं। नहीं, एक MCQ रह गया, देखिए टू EDTA वो तो हमारे पास हेक्साडेंटेट लिगेंड है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया इसको? EDTA हमारे पास है बेटा हेक्साडेंटेट लिगेंड, सॉरी। और अब आगे बढ़ते हैं, 17 पे लिखा हुआ है परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथानॉल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट। बेटा रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर ना 92 to 95% होता है इथानॉल, ठीक है? तो हमारे पास इथानॉल होगा यहाँ पे 92 to 95%। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नीचे आते हैं यहाँ पर। ओफो, हाँ यहाँ पर 2015 के सेक्शन सी की और सेक्शन बी की बात हो रही है, तो ये तो हम कर नहीं रहे, अभी एमसीक्यूज की वीडियो है। 2014 पर रहते हैं, 2014 के अंदर बोल रहे हैं फर्टिलाइजर्स का मेन काम क्या होता है? पीएच को मेंटेन करना कहाँ से कहाँ तक। तो फर्टिलाइजर का, एक सेकंड, ये क्या मसला है यार इसका? फर्टिलाइजर जो होता है मेंटेन करता है पीएच ऑफ सॉइल को कहाँ से कहाँ तक, 7 से लेके 8 तक। अच्छा, फर्स्ट 7 ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इंटू, देखें फर्स्ट 7 ग्रुप कौन कौन से, यानी कि ग्रुप 1 ए से लेके ग्रुप 7 ए तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो ग्रुप 8 ए है उसको नोबल गैसेस कहा जाता है, वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, कभी उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में ले लेते हैं, कभी उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से निकाल देते हैं। तो अभी फिलहाल उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में शुमार नहीं करते हैं। तो हमारे पास अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स होते हैं वो मेटालिक हाइड्राइड्स को कहा जाता है, या इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स जो है आपने पढ़ा होगा इसको इसको मेटेलिक हाइड्राइड्स, नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स और इनको फॉल्स हाइड्राइड सभी कहा जाता है इनको। अब आगे बढ़ते हैं, सेपोनिफिकेशन बेटा किसकी फॉर्मेशन को कहा जाता है? सेपोनिफिकेशन यहाँ पे कहा जाता है सोप की फॉर्मेशन को, क्योंकि आप सेपोनिफिकेशन से वर्ड से याद कर लें कि सोप बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास है, एक सेकेंड, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस फ्रॉम 400 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इस फ्रैक्शन में कौन सा पेट्रोलियम बाहर निकलता है बेटा? तो इस फ्रैक्शन में निकलता है पेट्रोल, जिसको कहा जाता है गैसोलीन। अब प्रोटियम के अंदर पूछ रहे हैं, प्रोटियम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो, तो प्रोटियम होता है H11, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके अंदर, एक प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, तो 0 न्यूट्रॉन है, यानी रेशियो हो गया 1 1 और 0, 1 1 और 0, तो हमारा ये हो जाएगा रेशियो 1 1 0, ये हमारा सही आंसर बेटा। EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड का ऑप्शन कहीं पे गिवन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मल्टी डेंटेट लिगेंड, ठीक है? अब हमारे पास अनदर नेम पूछा जा रहा है मीथेन का, तो मीथेन का एक और नाम क्या होता है? मीथेन का एक और नाम होता है मार्श गैस। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स की, वो एग्जाम्पल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसका आंसर है बोरॉन हाइड्राइड, क्योंकि देखिए बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक हाइड्रोजन से शेयर करते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन से शेयर करता है और एक हाइड्रोजन से यहाँ पे शेयर करता है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से तब भी ये 6 इलेक्ट्रॉन तक पहुँच पा रहे हैं, यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, तो ये वैकेंट स्पेस इसके पास जहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और वो ये ले नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोरॉन हाइड्राइड। या एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो वो भी, एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता, ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल नेम फॉर फ्रूट शुगर। जो फ्रूट शुगर होता है बेटा उसका केमिकल नेम क्या होता है? फ्रूट शुगर का केमिकल नेम होता है फ्रक्टोज, ठीक है? बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन रोम्बिक सल्फर, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन रोम्बिक सल्फर। देखें रोम्बिक सल्फर के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो तो मुझे याद है, वो होता है 105 डिग्री, बॉन्ड लेंथ मुझे याद नहीं है, और वो यहाँ पे मैंने देख के 2.12 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग पे टिक कर दिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन जो है वो ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे भरोसा कर लिया 10 ईयर के ऊपर, तो आप देख लेगा इसको। यहाँ पे बोले एनिमल स्टार्च कौन सा, तो एनिमल स्टार्च होता है वो होता है ग्लाइकोजन। अच्छा, डेंसिटी 98% नाइट्रिक एसिड की कितनी होती है बेटा? ये भी मुझे जबानी याद नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये मुझे जबानी याद नहीं है। यहाँ पे 10 ईयर पे भरोसा करके मैं 1.51 पे टिक कर देता हूँ। आप कुछ इसका मैं कह रहा हूँ कि देख लीजिएगा, तो लाजमी उसका प्लीज देख लीजिएगा टाइम मिले तो, ठीक
अगर टाइम ना मिले तो आप भी भरोसा करके आगे चली जाइएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, खैर होती है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, केमिकल फॉर्मूला Al2O3.3H2O का क्या होता है। तो Al2O3.3H2 बेटा ये गिबिसाइड का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास लिखा होता है Al2O3.H2O तो ये कहलाता है डायस्पोर। अगर सिर्फ लिखा होता है Al2O3 तो इसके दो नाम दे सकते थे, एक तो नाम होता है एलुमिना लेकिन ये अमोर्फस फॉर्म होती है, और दूसरा होता है कोरंडम जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, तो आपको लाजमी तौर पे बता देते हैं। और एक होता है Al2O3.NH2O तो ये कहलाता है बॉक्साइट, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा गिबिसाइट। अच्छा दिस इम्पार्ट्स रेड कलर टू ग्लास, रेड कलर कौन सा देता है, तो रेड कलर देता है जिंक और ग्रीन कलर देता है क्रोमियम। रेड कलर देता है बेटा जिंक, रेड कलर देता है जिंक, एक सेकेंड। तो बेटा हमारे पास रेड कलर जो आता है वो जिंक की वजह से आता है रेड कलर, और हमारे पास जो ग्रीन कलर आता है वो आता है क्रोमियम की वजह से, और इसके अलावा जो कॉपर और कोबाल्ट की वजह से आता है ये आता है ब्लू कलर। अब दोनों के अंदर ब्लू कलर में शेड में डिफरेंस होता है तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप आएगा तो दोनों में ब्लू कलर देख लेगा, कोई एक ही पूछेंगे ब्लू कलर के लिए इंशाल्लाह ताला। कैप्रिक एसिड पे आते हैं, कैप्रिक एसिड जो होता है बेटा इसके अंदर ये कहलाता है हेक्सानोइक एसिड। तो हेक्सानोइक एसिड के अंदर हमारे पास 6 हेक्सेन होंगे, 6 कार्बन होंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है, फिर CH2 के अंदर 4 कार्बन हो गए, तो 1 और 4 5 कार्बन और 1 ये 6ठा कार्बन, तो बेटा ये हो गया हमारे पास 6 कार्बन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा CH3.CH2×4.COOH, ठीक है। अब आगे पूछ रहे हैं कि कार्बन एटम्स मोनोसेक्राइड्स के अंदर कितने होते हैं, मोनोसेक्राइड्स के अंदर कार्बन एटम्स होते हैं 3 से लेकर 10 तक। अब हमने बेटा 2014 को सॉल्व कर लिया है, अब हम आते हैं 2013 के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फॉर्मूला हाइपोक्लोरस एसिड का क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HOCl। अच्छा उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट इनमें किसमें होते हैं, तो इसका आंसर है मैग्नीज। मैग्नीज कैसे है वो समझते हैं, मैग्नीज। तो बेटा हमारे पास मैग्नीज का एटॉमिक नंबर जो होता है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के आखिर में आएगा 3d5। तो अगर आप इसके डी ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लें तो हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 और 1 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैग्नीज के अंदर जो कि सबसे ज्यादा हैं, तो इसलिए मैग्नीज हमारा राइट आंसर होगा। इसके आयन के अंदर भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। केमिकल नेम जो होता है लाइफिंग गैस का वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, नाइट्रस का पूरा नाम क्या है, N2O। अच्छा उसके बाद है हमारे पास बेटा दिस हैज मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, देखिए हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम पूछ रहे हैं कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी, इसका आंसर क्या है ये समझते हैं। देखिए मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी होने के लिए दो चीजें चाहिए, मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो साइज बहुत बड़ा हो, साइज बहुत बड़ा हो और चार्ज बहुत छोटा हो, साइज बहुत बड़ा हो और चार्ज काफी छोटा हो। तो देखें चार्ज काफी छोटा है, +1 का चार्ज है हमारे पास इसके ऊपर, सीजियम के ऊपर +1 का चार्ज है, और सीजियम का साइज इन सब में सबसे बड़ा है क्योंकि ये ग्रुप के अंदर सबसे नीचे आता है, तो इसीलिए हमारा सीजियम सही आंसर हो जाएगा बेटा, कि सीजियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। अच्छा उसके बाद साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला, पिछले एमसीक्यूज के अंदर भी बताया कि साइक्लो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और अगर हमसे पूछ लें साइक्लो अल्कीन्स का तो हो जाएगा उनका CnH2n-2, और अगर उसका पूछ लें साइक्लो अल्काइंस का तो हो जाएगा CnH2n-4, साइक्लो अल्काइंस में अगर CnH2n-4। ग्लाइकोजन जो होता है बेटा ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक सेकंड रुकिएगा, हाँ 7 पे बेटा हमसे पूछ रहे हैं 7 के अंदर कि वो गैस जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज की गई थी, तो वो गैस है बेटा मस्टर्ड गैस। ये मस्टर्ड गैस जर्मन्स ने यूज करी थी
जर्मनी ने यूज करी थी, जर्मन्स ने, नाजियों ने, नाजी कहा जाता था इनको, नाजियों ने यूज करी थी। हाइब्रिडाइजेशन कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कौन सी होती है? कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, पहले भी एमसीक्यू आ चुका है। कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से, और जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, सिंगल बॉन्ड वाले में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये याद रखिएगा। तो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद बेटा आगे बोल रहे हैं कि ऑल नोबल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल। सारी नोबल गैसेस जो होती हैं वो फुलफिल करती हैं ऑक्टेट रूल को, सिवाय किसके? हीलियम के। क्योंकि हीलियम कौन सा रूल फॉलो करता है? ये फॉलो करता है डुप्लेट रूल। अब आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का जो कि ग्रुप 5A से बिलोंग कर रहा है और थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 15, पहले भी आ चुका है। एलिमेंट्स ऑफ 1B, 1B के एलिमेंट्स कहलाते हैं क्वाइनेज मेटल्स। हाइड्राइड आयन और हीलियम आयन के दरमियान में क्या कॉमन होता है? तो इसका आंसर है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्राइड के ऊपर नेगेटिव आयन है और हीलियम ऐसे ही लिखा हुआ है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया तो इसके पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए इसका आंसर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्रोटॉन गेन नहीं किया, तो इसलिए प्रोटॉन्स सेम नहीं हो सकते हैं, वैलेंसी दोनों की सेम नहीं है, न्यूट्रॉन्स दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता और हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, प्रोटियम के अंदर बेटा अभी अभी ऊपर बताया कि हाइड्रोजन के अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्रोटियम ही होता है, तो प्रोटियम के अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन होते हैं प्रोटियम के अंदर। प्रोटियम का सिंबल होता है H11, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो कि हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। एलिमेंट्स हैविंग द सिंबल गैलियम बिलोंग्स टू दिस फैमिली, वो एलिमेंट्स जिनका सिंबल जिसका सिंबल है GA, गैलियम, ये गैलियम बिलोंग करता है बेटा बोरॉन फैमिली से, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई लॉजिक नहीं बता सकता मैं भी आपको। ऑन बर्निंग, अगर लॉजिक देखने तो पीरियोडिक टेबल देख लेगा, इसके अलावा क्या ही बता सकता हूँ आपको। ऑन बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सोडियम, बेटा सोडियम जो होता है वो परऑक्साइड बनाता है, सोडियम को जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो NaNA+O2, 2Na+O2 आगे जाके बना लेता है हमारे पास 2NaO। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है तो ऐसे ऑक्साइड को कहा जाता है परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के अंदर होता है -1/2 और नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर होता है -2। तो ये आपसे पूछ सकते हैं बेटा। अब आगे पूछ रहे हैं कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिक्सचर और एल्यूमिनियम पाउडर का जो मिक्सचर होता है ये क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है एमोनल, Ca2b6o11.5h2, ये किस चीज का फॉर्मूला है? तो इसका आंसर है कॉलमिनाइट, ये कॉलमिनाइट का फॉर्मूला बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 2012 के एमसीक्यूज पे। मैं कोशिश करूं कि वीडियो की लेंथ काफी छोटी ही रहे ताकि आप लोगों का काम आसानी से बन जाए। अब आ जाए बेटा हमारे पास, पूछ रहे हैं नंबर 1 पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज इस। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 14 14, ठीक है। अच्छा, वाटर गैस लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बेसिकली होती कौन सी एलिमेंट्स की सीरीज है? ये तो होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वाटर गैस को प्रोड्यूस किया जाता है बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। तो वाटर गैस को प्रोड्यूस किया जाता है बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन है C+H2O, आगे जाके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करोगे तो हमारे पास बन जाएगा CO+H2। ये CO+H2 कहलाती है वाटर गैस। तो हमारा बेटा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कौन सा मेटल सुपर ऑक्साइड बनाता है? तो इसका आंसर है पोटेशियम। ये बहुत पूछते हैं बेटा, टिनकल किस चीज का मिनरल होता है? तो टिनकल बोरेक्स का मिनरल, बोरॉन का मिनरल होता है, टिनकल बोरेक्स को कहा जाता है, टिनकल कहा जाता है बोरॉन, टिनकल कहा जाता है बोरेक्स को। और इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। तो आपको यहाँ पे बोरॉन नजर आ गया, तो बोरॉन इसका सही आंसर है। अच्छा, किप्स एपरेटस जो होता है बेटा वो यूज होता है H2S गैस की प्रिपरेशन के लिए। दिस गैस इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इथीन विद सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ में आपको, सल्फर मोनोक्लोराइड को जब इथीन के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास मस्टर्ड गैस बनती है। आप इसकी केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में। वो कौन सी गैस है जो वेल्डिंग के अंदर यूज की जाती है? तो वेल्डिंग के अंदर यूज की जाने वाली गैस है इथाइन। ग्रिग्नॉट रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ग्रिग्नॉट एजेंट कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। अगर ग्रिग्नॉट एजेंट फॉर्मल डिहाइड से रिएक्ट करता है, फॉर्मल डिहाइड से रिएक्ट करता है तो बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल।
फॉर्मल डिहाइड से रिएक्ट करके बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो उसको रिएक्ट करना पड़ेगा किस चीज से, अल्डिहाइड से, अल्डिहाइड से रिएक्ट करना पड़ेगा। आ जाओ जाओ। अच्छा, उसके बाद टॉलिन्स रिएजेंट के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होती है, मैंने शायद एक छोड़ दिया है तो वो लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास बोले कोलेस्ट्रॉल, कॉलिक एसिड और प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये थोड़ा टिपिकल एमसीक्यू दिया था आपको 9th वाला, इंशाल्लाह कल नहीं देंगे। टॉलेंस टेस्ट के अंदर एंड प्रोडक्ट क्या होती है, टॉलेंस टेस्ट के अंदर बेटा एंड प्रोडक्ट होती है सिल्वर पीपीटी, सिल्वर मिरर बन जाता है, सिल्वर जो होता है एजी का वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट का पूरा नाम ही है सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट का पूरा नाम क्या है, टॉलेंस रिएजेंट का पूरा नाम है बेटा, टॉलेंस रिएजेंट का पूरा नाम है अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका जो सिल्वर होता है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास NaOH इज नेम्ड एज कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा ये हाथ को बर्न करता है, यहाँ पे रीजन सही नहीं गिवन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका सही रीजन क्या है, इसका सही रीजन है इट कोरोड्स ऑर्गेनिक टिश्यूज, ये इसका सही आंसर है। अब हमारे पास ये इसका सही आंसर नहीं है। कास्टिक, कास्टिक का मतलब क्या होता है, कास्टिक का मतलब होता है बर्न, कास्टिक का मतलब होता है बर्न, और ये क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बर्न करता है स्किन को, यानी कि हमारी जो स्किन के टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज कर देता है, तो ये इसका सही आंसर है इट कोरोड्स ऑर्गेनिक टिश्यूज। ब्राइन इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन, ब्राइन कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन होता है किस चीज का, सोडियम क्लोराइड का यानी नमक का, और प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन शीट्स बाय लेयर ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग करना आयरन शीट्स के ऊपर, ये प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजिंग। अब इसके नीचे आ जाते हैं बेटा, एक तो हमारा लैपटॉप अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो भाई, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो कि क्रिसोल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्रिसोल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्रिसोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिसोल का स्ट्रक्चर, क्रिसोल के अंदर होता क्या है कि हमारे पास OH लिखा होता है ऊपर और नीचे फोर्थ पोजीशन पे CH3 लिखा होता है, ये कहलाता है पैरा क्रिसोल। अब देखो ये जो OH ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप हो गया फिनॉल का, तो फिनॉलिक OH नॉट अल्कोहलिक OH, ये फिनॉलिक OH इसका सही आंसर है। कार्बोक्सैलिक और अल्डिहाइडिक तो गलत हो गया। मिल्क शुगर को क्या कहा जाता है, मिल्क शुगर को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया, मिल्क शुगर को लैक्टोज कहा जाता है। डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, कैसे है? ये मैं आपको समझा देता हूँ। डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है CH3O CH3, यह कहलाता है डाइमिथाइल ईथर, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, जबकि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है OH, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। 17 के अंदर देखते हैं, 17 के अंदर दिस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट्स, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑयल और फैट्स के अंदर, तो इसका आंसर है ईस्टेरिक ग्रुप, ईस्टेरिक ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा ऑयल और फैट्स के अंदर जो कि COO ग्रुप है, ठीक है। अब इसके नीचे बढ़ते हैं, हमारे पास 2011 के एमसीक्यूज हैं, 2011 के एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहले एमसीक्यू हमसे पूछ रहे हैं कि स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है, तो स्वीटेस्ट शुगर जो होती है बेटा वो होती है सुक्रोज। इथाइलीन किस लिए यूज होता है, इथाइलीन इथीन गैस होती है और ये फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी यूज होती है, एनेस्थीसिया के तौर पर भी यूज होती है, मस्टर्ड ऑफ गैस के तौर पर भी यूज होती है, तो बेटा इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इथाइलीन यूज होता है ऑल ऑफ दीज के लिए, इन्होंने यहाँ पर गलत ऑप्शन को टिक किया हुआ है, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, सारी नोबल गैसेस फुलफिल करती हैं ऑक्टेट रूल को सिवाय हीलियम के, अच्छा वो एलिमेंट्स जो कि सेम ग्रुप के अंदर आते हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, आखिरी शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं हमारे पास। अब आ जाएंगे नीचे, अच्छा हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हाइड्रोजन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हाइड्रोजन HH की फॉर्म में लिखा होगा तो हमारे पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, H+ की फॉर्म में +1, H- की फॉर्म में -1, तो हाइड्रोजन सारी ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एलिमेंट्स जो के सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं द पीरियोडिक टेबल वो कौन से हैं यहाँ पे, तो आपको बताना है, देखिए कैल्शियम और सोडियम एक ग्रुप 2A से बिलोंग कर रहे हैं और सोडियम ग्रुप 1A से, ये गलत हो गया, कैल्शियम ग्रुप 2A और लिथियम ग्रुप 1A ये भी गलत हो गया, और कैल्शियम ग्रुप 2A और पोटेशियम ग्रुप 1A ये भी गलत हो गया, हमारे पास कैल्शियम ग्रुप 2A, बेरिलियम भी ग्रुप 2A, तो ये हमारा सही आंसर है।
अच्छा अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टिनकल का पूछ रहे हैं। टिनकल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? टिनकल बेटा बोरेक्स को कहा जाता है, टिनकल कहा जाता है बोरेक्स को, टिनकल कहा जाता है बोरेक्स को। और बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। वो सब्सटेंस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मेटल्स होते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? तो वो सब्सटेंस कहलाता है अलॉय। अब हमारे पास बेटा अगला पूछ रहा है कि वो कंपाउंड्स कंपाउंड्स 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन ये कौन से आइसोमर्स हैं? देखें ब्यूटीन ब्यूटीन सेम है, पोजीशन है 1 और 2, तो साफ देखने में पता लग रहा है कि पोजीशन का फर्क है, तो पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे ये। अच्छा उसके बाद आगे पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का बेटा केमिकल फॉर्मूला होता है CHCl3। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा CHCl3। जनरल फॉर्मूला अल्काइल हैलाइड्स का क्या होता है? जनरल फॉर्मूला अल्काइल हैलाइड्स का होता है CnH2n+1 × X। अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, साथ में लिखा होता है एक्स। तो यहाँ पे कहाँ है? ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। हमारा जो सही आंसर है बेटा वो ऑप्शन सी है, CnH2n+1 × X। ठीक है, ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है? तो ब्लड कैंसर होता है बेटा बेंजीन की वजह से, ये भी इन्होंने गलत दिया हुआ है। ब्लड कैंसर बेंजीन की वजह से होता है, ब्लड कैंसर इज कॉज्ड बाय बेंजीन। और ब्लड कैंसर का एक नाम होता है, वो नाम होता है ब्लड कैंसर का, ब्लड कैंसर इज कॉल्ड लुकीमिया, ब्लड कैंसर इज कॉल्ड लुकीमिया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ अ कार्बन एटम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, हमारे पास वो कार्बन एटम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो वो कहलाता है कार्बोनियम आयन। अगर आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बोनियम आयन। नीचे चलते देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है, मुझे तो नजर आ ही गया है। हमारे पास कार्बन एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कहलाता है कार्बोनियम आयन। मिथाइलेटेड स्प्रिट इज अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल और C2H5OH। देखिए मिथाइल मिथाइलेटेड स्प्रिट क्या होता है? हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर जब इथाइल अल्कोहल बनता है तो इथाइल अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तौर पे भी यूज किया जाता है। तो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को जब इथाइल अल्कोहल बेचती है तो उसके अंदर मिथाइल अल्कोहल ऐड कर देती है ताकि अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाए और इसको इसके ऊपर से टैक्स वगैरह बचाया जा सके, ड्यूटीज बचाई जा सके, तो इसलिए मिथाइलेटेड स्प्रिट बनाया जाता है। तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर कहलाता है मिथाइलेटेड स्प्रिट। ठीक है, कार्बोनाइट कार्बन एटम कार्बोनाइल ग्रुप का हाइब्रिडाइज होता है SP2। यहाँ पे इन्होंने फिर एक और ऑप्शन गलत लिखा हुआ है SP3, ये गलत है, SP भी गलत है, SP2 इज द राइट आंसर। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और उसके बाद फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होती है जब इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जाए एसिटिक एसिड के साथ। तो हमारे पास आगे जाके बेटा जब इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो आगे जाके हमारे पास बन जाता है CH3COOC2H5 और +H2O। ये जो इथाइल एसिटेट बना है ये इथाइल एसिटेट ईस्टर होता है और ईस्टर के अंदर होती है फ्रूटी स्मेल, ईस्टर के अंदर होती है फ्रूटी स्मेल, पाइन एप्पल की स्मेल होती है मोस्टली ईस्टर के अंदर या दूसरे नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं। बात ही नीचे, ओ वाओ खत्म, सब खत्म, ऑल डन, सारे एमसीक्यूज बेटा खत्म हो गए। इंशाल्लाह ताला अब कल आपके एमसीक्यूज की मार्क्स 33 मार्क्स जो है वो गारंटीड है इंशाल्लाह ताला। ऑल एमसीक्यूज डन, ऑल एमसीक्यूज डन, मैं लिख देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटा मेरा नाम है शहरयार अहमद। अगर आपको ई कैट और एम डी कैट के लिए कुछ भी पूछना हो या एडमिशन्स के बारे में पूछना हो तो आप क्या नाम है मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0336-816-3259। आप इस पे ई कैट और एम डी कैट के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ में मेरे चैनल के ऊपर भी आपको ई कैट और एम डी कैट से रिलेटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ई कैट एम डी कैट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह ताला 6 जुलाई से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू बेटा, आखिरी मैं अपने इस एमसीक्यूज की वीडियो को इस जुमले से खत्म करना चाहूंगा, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, ऑल प्रेजेस आर ड्यू टू अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, ओनली द फॉल्ट्स आर माइन, बस जितनी गलतियां हैं वो मेरी हैं। तो जजाकअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, बेस्ट ऑफ लक।